Assalamu alaikum everyone, this is Dr. Hassam Anjumir back with another video. In this video, I am going to talk about preparation of IMM theory exam. IMM theory exam consists of two papers of MCQs. पहले एक पेपर MCQ और एक थ्योरी होता था, अब दोनों पेपर MCQ हैं फॉर द पास्ट 3-4 ईयर्स. जो मेरी IMM की अटेम्प्ट थी, दैट वॉज द फर्स्ट अटेम्प्ट जिसमें एक पेपर एमसीक्यू और एक पेपर थ्योरी से चेंज होके दोनों पेपर एमसीक्यूज हो गए थे. तो हमारे पास जरा गाइडेंस भी थोड़ी कम थी उस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि लोग थ्योरी की तैयारी करते थे पहले, तो ऑटोमेटिकली एमसीक्यूज की तैयारी हो जाती थी. लेकिन हमारे टाइम पे बहुत पेपर एमसीक्यूज हो गए, तो हमें ज़रा थोड़ी सी अपने तौर पे पढ़ाई करके और डिस्कशंस करके इसकी तैयारी करनी पड़ी. तो आज मैं आपको गाइड करूंगा कि कैसे आपने तैयारी स्टार्ट करनी है और कैसे स्मार्ट स्टडी करनी है और कैसे इसको मैनेज करना है, ताकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना IMM क्लियर कर सके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज के ड्यूरेशन. तो एटलीस्ट आपने, अगर आपने कभी भी बुक्स को हाथ नहीं लगाया अपने 2 years ऑफ ट्रेनिंग में, 1.5 साल ऑफ ट्रेनिंग में, तो तब तो आपको एटलीस्ट 6 months पहले पढ़ाई शुरू करनी चाहिए. क्योंकि आपने अभी तक फर्स्ट टाइम बुक्स पढ़ेंगे, उसमें आप अंडरलाइन करेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ें, फिर सेकंड रिवीजन, फिर थर्ड रिवीजन. पहली दफ़ा बुक पढ़ने में तो पता भी नहीं चलता कि क्या हो रहा है, आप सिर्फ मेन चीज़ें मार्क करते हैं और आप भूल जाते हैं सब कुछ. सेकेंड रीड में, फिर थर्ड रीड में आहिस्ता आहिस्ता आपको चीज़ें याद होना शुरू होती है, और सिलेबस काफ़ी ज़्यादा होता है और आपने काफ़ी बुक्स से पढ़नी होती हैं चीज़ें. तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप टाइमली स्टडी स्टार्ट करें. और अगर आपने बुक्स वगैरह पहले से पढ़ी हुई हैं, एक दफ़ा आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑलरेडी अंडरलाइंड है बुक्स पे, तो फिर आप 4 months पहले भी तैयारी शुरू कर सकते हैं. लेकिन बेहतर है कि 6 months पहले थोड़ी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता करके शुरू कर लें. बीच में कोई ना कोई इवेंट आ जाता है, अदर एक्टिविटीज चल रही हैं, आपकी ट्रेनिंग भी कंटिन्यू है, कुछ लोग शाम को क्लिनिक भी कर रहे हैं, तो उनको ये है कि ज़रा एडिक्वेट टाइम मिल जाए तैयारी करने का. तो तैयारी जो आपने शुरू करनी है वो स्मार्ट स्टडी करनी है. ये नहीं करना कि जिस सब्जेक्ट की जो बुक है पूरी पूरी बुक्स पढ़ रहे हैं, रट्टे मार रहे हैं, ये काम नहीं करना. क्योंकि MCQs हैं, आपको रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं है. आपने थॉरो स्टडी करनी है, इन बिटवीन दी लाइंस आपने रीड करना है और चीज़ों को, पॉइंट्स को मेमोराइज करना है. लेकिन अदरवाइज आपने पूरे पूरे पैराग्राफ्स, चीज़ें, जिस तरह थ्योरी में होता है कि इस क्वेश्चन के इतने पॉइंट्स बनते हैं, उस तरह याद नहीं करना. आपने ओवरऑल रीड करना है. और सेकेंडली, वो चीज़ें जो थ्योरी में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन MCQ में आ सकती हैं, जिस तरह कंटेम्प्रेरी फिक्स प्रोस्टोडोंटिक्स का जो सेकेंड बुक है, उसमें ज़्यादातर लेबॉरटरी स्टेप्स हैं, तो थ्योरी में उन लेबॉरटरी स्टेप्स के क्वेश्चन, मतलब ऐसे क्वेश्चंस में नहीं आते थे, लेकिन MCQs में उसमें से आप पॉइंट्स आ जाते हैं. तो आपको थोड़ी सी समझ लें, एडिशनल चीज़ें भी पढ़नी पड़ती हैं, जो अगर सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस का एग्जाम होता तो फिर आपको ना पढ़नी पड़ती. तो इसलिए आपने ज़रा स्मार्ट स्टडी करनी है, फजूल चीज़ें नहीं पढ़नी. जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें बार बार पढ़ना है, ताकि वो आप भूलें ना. और नेक्स्ट इज, जो चीज़ें आपने ध्यान रखनी है ना, वो है, वन इज दी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स या मॉडिफाइंग पॉइंट्स. कि जो भी पॉइंट है ना, कि अगर ऑल दीज थिंग्स कैन हैपन एक्सेप्ट, तो जो एक्सेप्ट वाला पॉइंट है ना, जनरली इस पे MCQ बनता है. तो आप जब पढ़ रहे हैं तो आपने जो इस तरह के पॉइंट्स आएंगे, कोई टाइम लाइन्स आएंगे, कोई कंडीशन आएंगे जिसका कोई पॉइंट है, वो आपने लाजमी याद रखना है. फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह क्राउन लेंथनिंग प्रोसीजर के बाद आपने पेशेंट को टेम्प्रेरी क्राउन देना होता है, तो पोस्टीरियर्स में रिकमेंडेड टाइम इज 6 months. तो ये एक MCQ बन गया. लेकिन इंटीरियर्स में चूंकि एस्थेटिक्स का इशू होता है, तो आप 3 months के बाद डेफिनेटिव क्राउन दे सकते हैं. सो दिस इज अ मॉडिफिकेशन पॉइंट जो कि अब MCQ का एक खास बन गया, कि देर इज ऑलवेज अ चांस कि इसका MCQ बन जाए. तो इस तरह की जो मॉडिफिकेशन पॉइंट्स हैं या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, टाइम लाइन्स हैं, वैल्यूज हैं, ड्रग्स के नेम्स हैं बीच बीच में, जिस तरह एक और चीज़ है कि जी पट्टी में प्रेशर लेना है, लेकिन क्या चीज़ें पट्टी की सेटिंग को डिस्टर्ब करती हैं, तो ग्लव्स का लेटेक्स है, दिस इज़ 1 पॉइंट. एंड सेकंड, जो कुछ एस्ट्रिंजेंट्स हैं रिट्रैक्शन कॉर्ड के, वो भी पट्टी की सेटिंग को, एडिशन सिलिकॉन जो है उसकी सेटिंग को करते हैं. तो दीज 2 पॉइंट्स अब आपके MCQ के पॉइंट्स बन गए. तो आपसे स्टैंडर्ड कोई नहीं पूछेगा कि जी पटिंग की, एडिशन सिलिकॉन का कोई प्रोसीजर का MCQ, वो नहीं आएगा. लेकिन इन मॉडिफिकेशन पॉइंट्स के MCQ लाजमी आएंगे. तो आपने इस पॉइंट ऑफ व्यू को जेन में रखते हुए पढ़ना. और जो मैं आपको इन बिटवीन द लाइंस कह रहा था, उसका ये मैं क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ.
इसको आपने क्वेश्चन को पढ़े, वीडियो को पॉज करें और नीचे कमेंट में आंसर लिखें। इस वीडियो के एंड में मैं इसका आंसर और सोर्स बताऊंगा कि बुक में कहाँ लिखा हुआ है और किस तरह इन बिटवीन द लाइंस को रीड करके हमने ये पॉइंट डिस्कवर किया। तो हेयर इज द क्वेश्चन। सो होपफुली आप लोगों ने ठीक आंसर किया होगा, जिसने नहीं भी किया उसको एंड में पता चल जाएगा और उसको ये भी आइडिया हो जाएगा कि कैसे इन बिटवीन दी लाइंस रीड करके आप चीजें देख सकते हैं और कैसे एमसीक्यू। सारे एमसीक्यू ऐसे नहीं बनते, लेकिन काफी एमसीक्यू ऐसे भी बन सकते हैं और आपको ये पेपर सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। सो अब मैं जरा बुक्स पे आता हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो कि कौन सी बुक्स कितनी पढ़नी है और कहाँ कहाँ से पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंप्लीट डेंचर पे करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि आपने पढ़ाई में सिर्फ बुक्स को गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं बनाना कि जी मैंने ये बुक कर लिया तो मेरा काम हो गया। बुक्स नहीं, ये अंडर ग्रेजुएट लेवल नहीं है कि जी ये बुक पढ़ ली तो आपका हो गया। अब आपने टॉपिक्स कंप्लीट करने, जो आपके IMM में टॉपिक्स हैं वो आपने कवर करने, वो किसी भी बुक से हो, आर्टिकल से हो, जैसे मर्जी करें वो आपने कंप्लीट करने। लेकिन ये जो हम बुक्स बताते हैं, जनरली अगर आप इसको फॉलो करें तो वो सारे टॉपिक्स आपके ऑटोमेटिकली कवर हो जाते हैं, आपको फर्दर कोई स्टडी नहीं करनी पड़ती। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट डेंचर में नंबर 1 इज ज़ार, जो एक समझ लें गोल्ड स्टैंडर्ड है, अंडर ग्रेजुएट में भी पढ़ते हैं पोस्ट ग्रेजुएट में। ज़ार आपकी कंप्लीट पढ़ी होनी चाहिए आपकी। जो एंड में इम्प्लांट्स वाले टॉपिक हैं वो आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि वो पोस्ट IMM सिलेबस में है, लेकिन एटलीस्ट उसका जो ऑसियो इंटीग्रेशन वाला चैप्टर है वो आपने पढ़ा हो, क्योंकि इम्प्लांट्स के, TMDs के, मैक्सिलोफेशियल प्रोस्थेसिस के चंद एक MCQ जो रिलेटेड टू बेसिक प्रोस्टोडोंटिक्स हैं वो आ जाते हैं, तो इसमें थोड़ा सा आपको नॉलेज हो। तो आपने सारे चैप्टर्स करने हैं, इम्प्लांट्स और मैक्सिलोफेशियल प्रोस्थेसिस वाले स्किप करने हैं, और जो लास्ट उसका चैप्टर है एडवांसमेंट्स का वो भी आपने कर लेना है क्योंकि वो पार्ट है उसमें। CD4 टेक्निक, कॉपी डेंचर, 3D प्रिंटेड डेंचर्स और एडवांसमेंट इन मटेरियल्स जो हैं वो लिखे हुए हैं, तो उनके MCQs आ सकते हैं। सेकेंड बुक इज मैनिप्लिल। मैनिप्लिल में बहुत गलतियां हैं, इट इज़ नॉट अ गुड बुक, लेकिन कुछ टॉपिक्स उसमें अच्छे हैं और वो चीज़ें आपको कहीं और से इतनी अच्छी एक ही जगह पे नहीं मिलेंगी। तो मैनिप्लिल से आपने क्लासिफिकेशंस करनी है और डेफिनेशंस करनी है। जो क्लासिफिकेशन उसके शुरू के चैप्टर्स में टंग की, रेटोमलाट, फॉसा की, पैलेट, हार्ड पैलेट की, सॉफ्ट पैलेट की, आर्च शेप की, हर चीज की उसने क्लासिफिकेशन लिखी है, एंड इट इज वेरी गुड बुक फॉर डूइंग क्लासिफिकेशन। सेकंड जो है उसमें जॉ रिलेशन रिकॉर्ड के मेथड्स बहुत अच्छे लिखे हैं, सबके नेम्स लिखे, थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन है। थ्योरीज ऑफ टूथ सिलेक्शन इंटीरियर एंड पोस्टीरियर बहुत अच्छी उसमें लिखी है। और जो लास्ट टॉपिक है सिंगल कंप्लीट डेंचर, वो इसने बहुत अच्छा लिखा है, वो बाउचर में इतना अच्छा नहीं है। तो ये टॉपिक्स आपने मैनिपुलेट से करने हैं। और उसके बाद जो BDJ की कंप्लीट डेंचर की सीरीज है वो आपने पूरी करनी है। उसमें काफी चीजें हैं जो कि ओल्ड कॉन्सेप्ट्स या कुछ थे जो अभी नई बुक्स में नहीं है, वो सारे आपके कवर हो जाएंगे। इंप्रेशन टेक्निक्स हैं, जॉ रिलेशन की टेक्निक्स हैं, अदर बेसिक्स हैं, वो सारी आपकी कवर हो जाएंगी। और बल्कि इसके एंड के अंदर जो चैप्टर है वो उसमें मिस्टेक्स वगैरह जो डेंचर में कॉमन मिस्टेक्स और उनकी रीजन और उनका ट्रीटमेंट वो भी लिखी हुई है। और जो लास्ट बुक आपने कंप्लीट डेंचर के लिए पढ़नी है वो मैकग्रेगर की जो कंप्लीट डेंचर की बुक है, इट इज अ वेरी गुड बुक। उसमें जो मसल बैलेंस के चैप्टर है, बायोमेट्रिक गाइडलाइंस के, वो बहुत अच्छा है। पिवट अप्लायंस उसमें लिखी हुई है, एक इंप्रेशन मेकिंग की टेक्निक उसने लिख दी हुई है एडिशनल। जॉ रिलेशन में कैसे वो बायोमेट्रिक गाइडलाइंस में उसने स्पेशल ट्रे का लिखा है वो है, तो बहुत अच्छे प्रोसीजर्स हैं इसके अंदर, वो आपने करनी। तो जब आप ये सारी बुक्स कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके बाद अगर कुछ आर्टिकल्स आपने लास्ट 2-3 ईयर्स में डेंटल अपडेट में देख लेने हैं, अगर कंप्लीट डेंचर रिलेटेड आए हैं तो वो एक दफ़ा देख लेने हैं कि कोई उसमें एडवांस ना लिखे। आई थिंक 2018 में 2 आर्टिकल्स की कंप्लीट डेंचर की सीरीज आई हुई है डेंटल अपडेट में, वो देख लें। कुछ इस तरह के टॉपिक जैसे वो गैस्केट डेंचर है वो नहीं लिखा होगा, कॉपी डेंचर की अदर टेक्निक्स हैं क्योंकि इसमें एक दो लिखी हुई हैं, बाकी टेक्निक्स आप आर्टिकल से देख लें। इस तरह कुछ सिंपल टॉपिक्स हैं वो जब आप करेंगे आपको ऑटोमेटिकली आइडिया होगा कि इधर कवर नहीं हो रहे, तो उसके आप आर्टिकल्स देख लें, अदरवाइज आपका जनरली तकरीबन सारा सिलेबस इसमें कवर हो जाता है। सो नेक्स्ट इज कास्ट पार्शियल डेंचर।
टास्क पार्शियल टेंचर में अगेन मैक्रेकन इज द गोल्ड स्टैंडर्ड बुक, आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। थोड़ी सी इंग्लिश मैक्रेकन की डिफिकल्ट है, प्लस कुछ उसमें उसने इस तरह चीज़ें लिखी हुई हैं कि आपको बैकग्राउंड ऑलरेडी पता है तो वो डायरेक्ट शुरू हो जाता है एक चीज़ पे, रेदर देन कि उसकी बेसिक्स एक्सप्लेन करें। तो लेकिन बहुत अच्छी बुक है, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ टास्क पार्शियल टेंचर आर कवर, आपने ये पूरी बुक करनी है। अगर इसमें से कोई टॉपिक आपको नहीं समझ आ रहा तो वो आप स्टुअर्ट में से कर सकते हैं, स्टुअर्ट इज अनदर वेरी गुड बुक, और वो बड़ी इजी लैंग्वेज में बेसिक्स को एक्सप्लेन करके की हुई है, तो आप उसमें से भी वो टॉपिक्स देख सकते हैं। उसके बाद BDJ सीरीज है RPD की, वो बहुत अच्छी है, उसमें काफ़ी चीज़ें जो मैक्रेकन में मिसिंग है वो सारी उसमें कवर्ड हैं, जो एक्रिलिक पार्शियल डेंचर के मुख्तलिफ डिज़ाइन हैं, एवरी डेंचर है, स्पून डेंचर है, वो भी गिवन है, एक्रिलिक पार्शियल डेंचर से आपने बाइट कैसे रेज करनी है वो भी उसमें गिवन है, अदर डिज़ाइनिंग के बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो सारे उसमें गिवन हैं। द नेक्स्ट बुक इज़ मैक्रेकर ऑफ RPD, ये भी एक बहुत अच्छी बुक है, जो मैक्रेकन में चीज़ें मिसिंग हैं वो इसके अंदर कुछ चीज़ें गिवन हैं। इसके आपने इनिशियली सिर्फ जो 50 पेजेस हैं वो रीड करने, बाद में इसमें मैनुअल है, डिज़ाइनिंग ऑफ कास्ट पार्शियल डेंचर है, लेकिन वो थोड़ी सी ओल्ड स्कूल है इसलिए उसको आप रीड मत कीजिए। इनिशियल 50 पेजेस जो थ्योरी के हैं वो बहुत अच्छे हैं, उनके अंदर काफ़ी नई चीज़ें गिवन हैं जो मैक्रेकन में नहीं है, जैसे एस्थेटिक क्लास प्लेसमेंट है और इंटीरियर टीथ में RPD के पाथ ऑफ इंसर्शन रिमूवल की चीज़ें, वो काफ़ी हेल्पफुल हैं। और इसके बाद स्टुअर्ट है, अगर आप मैक्रेकन को एज प्राइमरी बुक पढ़ते हैं तो फिर स्टुअर्ट में से आपने कुछ टॉपिक्स करने हैं, जैसे कि माइनर कनेक्टर स्टुअर्ट में बहुत अच्छे लिखे हुए हैं, इम्प्रेशंस एंड मॉडल्स के जो डिफेक्ट्स हैं और उनके रीजंस वो बहुत अच्छे लिखे हुए हैं, उसके बाद अटैचमेंट्स कास्ट पार्शियल डेंचर की अच्छी लिखी हुई हैं, और लास्टली पोस्ट इंसर्शन कंप्लेंट्स जो हैं वो इसके अंदर अच्छी लिखी हुई हैं। और इसके बाद फिक्स प्रोस्टोडोंटिक्स आती है, फिक्स प्रोस्टोडोंटिक्स की जो मेन बुक है दैट इज़ रोजेंशियल, जो कंटेम्प्रेरी फिक्स प्रोस्टोडोंटिक्स है उसका Volume 1 और Volume 2, या अगर आपके पास सिंगल बाइंडिंग में है तो होल बुक, तो उसमें आपने एटलीस्ट 1 to 2 times पूरी बुक रीड करनी है। बाद में आप रिवीजन के दौरान जो लेबॉरेटरी वाले चैप्टर्स हैं उनको आप सिलेक्टिवली रीड कर सकते हैं, लेकिन इनिशियली आपने पूरी बुक रीड करनी है। और जो इसका न्यू एडिशन आया हुआ है उसके अंदर हर चैप्टर के बाद MCQs भी गिवन है, आप उनको भी कर सकते हैं फॉर प्रैक्टिस। तो जितनी ये जो मैंने आपके साथ बुक्स बताई है, BDJ सीरीज का बताया, इन सब के मैं लिंक्स जो हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, गूगल ड्राइव का लिंक, तो आपके पास अगर सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल नहीं है तो वो भी आपको मिल जाएगी। और फिक्स्ड की आपने BDJ सीरीज भी करनी है, वो भी बहुत अच्छी बुक है, उसमें पोस्ट एंड कोर वाला जो आर्टिकल है और शिम्स वाला आर्टिकल और वनियर प्रिपरेशंस वाला तो बहुत अच्छा है, लेकिन ओवरऑल आपने बाकी भी रीड करना है। और जब ये आप सब कर लें तो उसके बाद आपके पास अब प्रैक्टिस की बारी है MCQs की, एटलीस्ट 1 to 2 times सिलेबस करके फिर आप साथ साथ भी थोड़े थोड़े MCQs कर सकते हैं, और एंड में आके फिर जितने MCQs हैं पास पेपर्स जो कि व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर हुए हैं, लोगों ने स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं वो, और इसके अलावा जो बुक्स हैं डेंटल डेक्स है, डेंटोजिस्ट है, और जो दूसरी और भी बुक्स हैं उन सब की आपने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि MCQs की जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आइडिया होगा कि आपकी तैयारी कितनी है, थोड़ा सा रिकॉल करने की प्रैक्टिस भी होगी, और थर्डली MCQs से भी आपकी लर्निंग है कि वो MCQ जो आपको नहीं आ रहा आप उसका टॉपिक खोल के उस टॉपिक को रीड कर लें तो ऑटोमेटिकली वो टॉपिक भी आपका कवर हो जाएगा। और अब बारी आई वो जो मैंने क्वेश्चन शेयर किया था, तो अब आप देख सकते हैं मैं पिक्चर्स में आपको दिखा रहा हूँ कि ये रेजिडेंशियल के किस चैप्टर में गिवन है। Chapter 1 के अंदर ये एक स्टेटमेंट गिवन है कि सम ऑफ द ड्रग्स कैन कॉज सिम्टम्स ऑफ TMDs, और लेकिन ड्रग का नेम नहीं लिखा हुआ, ड्रग का नेम के बजाय इन्होंने आर्टिकल का रेफरेंस दिया हुआ है। एंड में रेफरेंसेस में आप वो आर्टिकल ओपन करें तो उसके अंदर जो ड्रग है वो मेटाक्लोप्रामाइड है, तो मेटाक्लोप्रामाइड ड्रग जो है वो सिम्टम्स ऑफ TMDs का। सो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस। तो इसी तरह आपने रीड करना है कि अगर किसी चीज़ का थ्योरी में लिखा है लेकिन नेम नहीं लिखा हुआ तो नेम आइदर उसके रेफरेंस से देख लें या आप नेट पे सर्च करके उसका नेम भी ढूंढ लें या कोई वैल्यू है या कोई पॉइंट है, ताकि अगर कोई उसका MCQ आए तो आप उसको कवर कर सकें। सो
थैंक यू फॉर लिसनिंग टू माई वीडियो. ये मैंने मेरे जूनियर्स FID में जो अभी भी हैं, जहाँ जो मैं ट्रेनिंग कर रहा था उनको मैं गाइड करता रहता था, लेकिन अभी मैंने वीडियो बनाई है ताकि पूरे पाकिस्तान में जितने प्रोस्तों के रेजिडेंट्स हैं उनको मैं गाइड कर सकूँ कि IMM की कैसे तैयारी करनी है. अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, तो नीचे कमेंट्स में भी लिख सकते हैं. मेरा कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है, उससे कॉन्टैक्ट कर लें या मुझे ईमेल कर दें. और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कोलीग्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.